हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्लास डेस्क आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हमारी कैलकुलेशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है सो so पहले हम कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन उस पर दिए हुए एग्जाम्पल्स को समझेंगे एग्जाम्पल्स करेंगे सो लेट्स बिगिन सो पहला रूल इज द रूल ऑफ टू हम सब जानते हैं कि कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता ही है बट फॉर्मली स्पीकिंग कोई भी नंबर के लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट्स डिजिट पे यदि 2 है या कोई 2 का मल्टीपल है या फिर 0 है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 मोर ओवर यदि कोई नंबर के लास्ट टू डिजिट्स यदि 4 से डिविजिबल होते हैं देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4 ऐसे करते-करते 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 के केस में लास्ट थ्री डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई एट और सो टू टू दावर लास्ट में वन जीरो फोर केस में टू जीरो टू टू दावर थ्री यानी कि एट केस में थ्री जीरो एंड सो ऑन इफ यू दैट टू टू दावर एन इसके केस में लास्ट एन डिजिट्स शुड बी डिजिबल बाय टू टू दावर एन यहा एन होगा और हैज एन जीरो फॉर एग्जाम्पल लेट से एक नंबर है थ्री फोर फाइव जीरो जीरो एट जीरो क्या ये नंबर 16 से डिविजिबल है यानी कि 2 टू द पावर 4 पहले हम लोग को ये चेक करना कि उस नंबर उस बेसिक नंबर यानी कि 16 का पावर क्या है 2 का पावर क्या है सो so, लास्ट का फोर डिजिट्स होगा बिकॉज़ वी हैव 4 ओवर हियर एंड 80 इज डिविजिबल बाय 16 दैट इज 5 सो इस केस में दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 16 नेक्स्ट हम लोग के पास रूल है रूल ऑफ थ्री एंड नाइन सो कोई भी नंबर के डिजिट्स का सम यदि थ्री से डिविजिबल है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री ये तो हम सब जानते हैं बचपन से ये सेम रूल नाइन पे भी एप्लीकेबल होता है से फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है हमारे पास टू वन थ्री फाइव फोर सिक्स सो इस नंबर का सम क्या होगा टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस फोर प्लस टू ट्वेंटी दिस नंबर ये uh, then finally this number, ये बड़ा वाला नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट बाय नाइन नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट रूल दैट इज द रूल ऑफ फाइव ये तो एक छोटा सा रूल है कि कोई भी नंबर के एंड डिजिट यानी कि यूनिट डिजिटल का यदि वो यूनिट्स डिजिट 5 है या फिर 0 है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 अब एक 5 का एक छोटा सा हैक बताता हूँ उसमें सपोज अ टू डिजिट नंबर से 25 इसका हमें स्क्वायर निकालना है सो so यहाँ पे अपना लास्ट टू डिजिट्स जो होगा वो 5 का स्क्वायर होगा दैट इज 25 एंड यहाँ पे जो होगा दैट विल बी इस नंबर दिस नंबर 2 2 1 दैट इज 3

नेक्स्ट रूल इज द रूल ऑफ इलेवन ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है इसलिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे से फॉर एग्जाम्पल वी हैव नंबर एज थ्री फोर सिक्स एट सेवन टू वन फाइव वट वी हैव टू डू इज एड अप ऑल द ऑल्टरनेटिव फाइव टू एट फोर एंड देन सबस्ट्रैक्ट ऑल द सब्रैक्ट ऑल द रिमेनिंग नंबर्स यानी कि फाइव प्लस टू Plus 8 plus 4 that is equal to 19 and uh, subtract all the remaining numbers that is 1 plus 7 plus 6 plus 3 that is 17. Now 19 minus 17 is equal to 2. Now is 2 divisible by 11? No. So this number is not at all divisible by 11. तो समराइज करें तो एड ऑल दी ऑल्टरनेटिव डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट डिजिट एंड ऑल दी रिमेनिंग डिजिट सो जो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ इलेवन और आइदर जीरो तो मतलब देन ओनली दी होल नंबर विल बी डिविजिबल तो आई होप आपको सारे रूल समझ में आए होंगे और आपने uh, इन सभी के नोट्स बना लिए होंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर टिप्स एंड ट्रिक्स और मोर और भी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग